शुक्रवार को उत्थान समिति के संस्थापक एवं चेयरमैन सतेंद्र सिंह ने उत्थान समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। उत्थान समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चेयरमैन सतेंद्र सिंह ने सभी जिम्मेदार लोगों के लिए उनके पद घोषित किए। सतेंद्र सिंह की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का संरक्षण गढ़ से पूर्व विधायक कृष्णवीर सिंह सिरोही, नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के चेयरमैन ललित ठुकराल, राजकुमार सिसोदिया, मशहूर कवित्री डॉक्टर रमा सिंह, फिल्म कलाकार कासर ए के जेनी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के भतीजे शेख दाऊद और एडवोकेट योगेश गुप्ता को बनाया गया, जबकि महानिदेशक के रूप में अरुण त्यागी को चुना गया। इसके अलावा निदेशक के रूप में पत्रकार एम कवि राज कौशिक, के डी त्यागी, हिमाद्री सुवन, बिपिन बाबू, राजेश गोयल, विकास सिसोदिया और कपिल सचदेवा को चुना गया। वहीं उपनिदेशक के रूप में सुष्मिता घोष बासु, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी, विनीत गोयल, अवधेश कटियार, मनोज अग्रवाल, मनु त्यागी और सुनील कुमार मिश्रा को चुना गया। संयोजक के रूप में वीके अग्रवाल, राघवेंद्र सिंह, इंद्रजीत वर्मा, राजेश सिंह नागर और मास्टर चेरिंस को बनाया गया है। सलाहकार के रूप में बी के राय, पूर्व श्रमायुक्त वरिष्ठ सलाहकार, रमेश चंद्र माथुर एडवोकेट और जितेंद्र सिंह एडवोकेट को चुना गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए राजेश सिंह, बबीता सिंह, अभिषेक सिंघल, मनोज मिश्रा, रूबी सिंह, सोनाली सिंह, स्वास्थी शर्मा और रानी सिंह बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूबी इंडिया न्यूज़।